हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रि। और आज है नवमी और आज मैंने बनाया है हलवा, चने एंड आलू की सब्जी और पूड़ी, क्योंकि आज हम लोगों ने कन्या खिलाई थी। तो कन्या खिलाई थी और नवमी की पूजा भी होती ना, तो यही खाना बनाते हैं। तो अभी मैं हलवा बना रही हूँ। एंड हमारे यहाँ क्या होता है कि मेरी सासू माँ बोलते कि जितनी जल्दी हो सकते है यार तुम्हें कन्या खिलानी है, तो मैं जल्दी जल्दी फिर खाना बनाना होगा, इसलिए हम लोग जल्दी जगते हैं। आज मैं 5 बजे ही जग गई थी, और 5 बजे बस नहाने के बाद में सबसे पहले मैं खाना बनाने आ गई और ये तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ही खिलाएंगे, बाद में खिलाएंगे तो क्या फ़ायदा, वो लोग पहले खा चुकी होंगी और फिर तुम खिलाओगे तो वो खाएंगी भी नहीं, बस वो ऐसे ही आके जाएंगी, थोड़ा सा खाएंगी, तो मैं पहले खिलाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि घर में शांति ज़्यादा जरूरी है तो पहले ही खिला देते हैं। तो मैंने अभी उन लोगों को कन्ना खिला दिए और मैं आ गई हूँ अपने रूम में अभी क्लीनिंग के लिए। और साथ के साथ इन्होंने भी अपना ना खाना खा लिया, थोड़ा टाइम लग जाता है तो इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया। एंड अभी कृष्ण और मैं दोनों मिलके क्लीनिंग कर रहे हैं, और मेरा तो क्लीनिंग का पार्टनर ये है, ये भी साथ में ही करता है। और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और कृष्ण आजकल चारों तरफ सामान फैलाने लग गया। पहले अपने रूम में ही खेलता था, बट अब तो चारों तरफ सामान फैलाता है। और अभी बर्तन हो गए तो मैंने सारे बर्तन अभी वॉश करके रख दिए, और दूध को भी मैंने फ्रिज में रख दिया, वरना तो ख़राब हो जाएगा गर्मी की वजह से। वैसे तो इतनी गर्मी नहीं है, बट फिर भी फ्रिज में रख दो तो सेफ रहता है। और मैंने फिर से अपना काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, क्योंकि मेरे को आप बोल सकते थोड़ा सा फोबिया है ये क्लीनिंग का, तो मैं हमेशा करती रहती हूँ। एंड मैंने सुबह ना कपड़े लगा दिए थे जल्दी, तो अभी सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, तो मैंने ऊपर धूप में सुखाने आ गई, आलसी हूँ, बालकनी में सुखा देती हूँ। बट मुझे लगता है ना बहुत सारे कपड़े हैं, तो ऊपर छत पे आके सुखा के जाती हूँ, क्योंकि छत पे जल्दी भी सूख जाते हुआ? हैं। क्या कर रहा है बेटा रुद्र? क्या कर रहे हो? ये देखो ऐसे लेटे हुआ है, इसका यही काम है जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना, इसी तरीके से ये बाहर ये गाड़ी लेके राउंड राउंड घूमता है। या फिर आज आप मैकेनिक बन रही हो, गाड़ी ठीक कर रहे हो क्या? गाड़ी ठीक कर रहे हैं अभी। और इसका काजल देखिए, मेरी सासू माँ को इसका काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी ये थोड़ा अच्छा लग रहा होता है ना उन्हें, तो हमेशा उसकी काजल लगा के उसको बस गंदा कर देती है। और मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ, अभी इन लोगों ने डिमांड की मैगी खाने की, तो मैगी बन रही है। हल्की हल्की भूख लगने लग गई, तो कृष्णा का भी रुद्र का भी मन हो रहा था मैगी खाने का। बहुत टाइम हो गया था मैगी बनाए हुए भी, तो सोचा कि चलो मैगी बनाते हैं। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? क्या बन रहा है? आपने किस चीज की डिमांड की थी? मैं एक चीज देती है, शाही पनीर। ये तो जब भी मुंह खोलते ना, इनको तो पनीर के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो इन्हें पसंद हो। तो क्या बना रही है इतनी? इस टाइम पे खाना खाने के बाद में इंसान क्या खाता है? खाना खाने के बाद में इंसान क्या खा सकता है, आप एक बताओ। खाने खा चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखो इतना मोटा हो रखा है। खाने खा चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं है। नहीं खाया आपने खाना? चारों ने खाना ही नहीं खाया। क्या बन रही है? मैगी, ऑनली मैगी। मेरे राज में आपको क्या मिल जाएगा? मैगी, मैगी बटर मसाला। सर मुझे तकिया दिलाने को लेके जा रहे हो? कौन सा तकिया? पता है मेरे घर में एक ही तकिया है, ओनली वन पिलो है। तुम्हारी बात है। और वन पिलो खराब हो गया, और हम लोग इतने आलसी हैं कि वो लेने नहीं जा रहे। ऐसे हम बहुत घूम के आ रहे हैं, बहुत सारे सामान ले आते हैं, पर पिलो नहीं लाते हो आप? पिलो ही दिलाते ही नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए मुझे? ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात है। अच्छा आ जाओ मैगी खा लो फिर अपने आप बना के। एंड आपको नई चीज दिखाती हूँ, इसने ये क्या कर रखा है देखो। क्या कर रखा है बेटा ये? सॉरी, ये लाके इसमें डाल लिए इसने। आप मम्मा के लिए कितना काम फेल आती हो जान। बेटा
क्या है? यहाँ पे मच्छर खा गए इसे और खुजली हो रही है। अच्छा, कैसे खा गया मच्छर आपको ये बताओ? मुंह से खा गया। और मम्मा को ये तो बताओ, आपकी नीनी पूरी हो गई, अब क्या खाओगे आप? और आपको मैगी कैसी लगी कृष्णा? गंदी गंदी लगी, इसने मैगी नहीं खाई तो आपको भूख लग रही होगी है ना? आज इसने एक ही बार खाना खाया अभी तक, चुप चुप खाया था पूरी, आलू की सब्जी और हलवा है ना बेटा? हाँ। मैगी इसने नहीं खाई। मिर्ची ज्यादा हो गई थी उसके अंदर, तो कृष्णा को मिर्ची लगी, तो कृष्णा ने मैगी नहीं खाई है ना। और पता है आज मैं इसके पास से लेके आई थी, मेरी नोज खा गया है ना। इसके देखो स्माइल, मतलब इसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना वो देखो। अरे यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है और इन्होंने इनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। अकेली मैं ही हूँ जो चाय पीती हूँ, और अब मैं कृष्णा के लिए चीला बनाऊंगी। मुझे चीला बनाना सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं चीला ही बनाती हूँ। इनकी मेरे को चीला पसंद नहीं है, मुझे चीले से वॉमिट हो जाती है ना, उल्टी आ जाती है। हाँ। देख लो अभी मैंने मेहनत भी नहीं की। बोलो कृष्णा, बोल के बताओ, अभी तो मैंने मेहनत की। देख लो उल्टी आ जाती है इसे। अब क्या करूं मैं, बनाऊ या नहीं बनाऊ? ये इसकी गाड़ी और इस पे हमेशा मिलेगा आपको। क्या हुआ बताओ? मैं नहीं खाऊंगा, मैगी खाऊंगा मैं, चीला नहीं खाऊंगा। एंड आज मैं इसके लिए इवनिंग स्नैक में है ना कैरेट और कुकुम्बर वाला चीला बना रही हूँ। जैसे बनाने के लिए मैंने ओट्स फ्लोर लिया है और राइस फ्लोर लिया है, उसमें हल्दी, नमक, जीरा, हींग, काली मिर्च, ये सब बेसिक मसाले जो होते हैं, अमचूर पाउडर, वो ऐड करके बैटर में बना लूँगी। आजकल तो क्या है कि रुद्र के इतने नखरे हो गए ना, पहले वो चीला खुश होके खाता था बट अब वो नहीं खा रहा है, पता ही नहीं चलता ये कभी खाता है कभी नहीं खाता। अब देखो देखते ही मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, पर ये बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस टाइप का बनाने के, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और जो बच्चे नहीं खाते ना उन्हें खुद से खाने दीजिए, बच्चे जब खुद से खाते ना तो एक्सप्लोर करते और बहुत जल्दी खाना भी सीख जाते हैं। तो ट्राई कीजिए, आप बच्चों को खुद से दीजिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, थोड़ा सा घूमने की इच्छा हो रही थी तो सोचा चलो बाहर घूम के आते हैं। राजन का भी ऑफ है तो साथ में ही जा रहे हैं ये भी। और ये जब होते ना तो मैं मोस्टली बाहर घूमने जरूर जाती हूँ, वरना घर में मन नहीं लगता और ऐसा लगता है आज का डेट तो थोड़ा अधूरा है अगर बाहर भी गए तो। आप चलोगे बेटा या अम्मा पापा के पास जाओगे? मम्मा के साथ घूमे घूमे नहीं जाओ, घूमे घूमे नहीं जाए। एंड फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम लोग पिलो बाइक कर रहे हैं, और इवन 1 मंथ हो गया होगा मैं आई हूँ, जब से वन पिलो गायब था, इन्होंने पता नहीं उस पिलो के साथ क्या किया। और देखो घर पे मेरा कृष्णा ने इस तरीके से बुरी तरीके से घर फैला रखा है, तो मैं क्या करती हूँ जब भी ये फैलाता है ना मैं इसी को ही देती हूँ करने के लिए, जिससे कि इसको आइडिया हो। और आने के बाद में हमको टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, मार्केट जाते तो टाइम तो लग ही जाता है, तो मैंने जल्दी जल्दी दाल और चावल ही बनाया, तो कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पर कृष्णा को दाल और चावल दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमें खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के लिए हम घूमने जाने की भी सोच रहे थे कि इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, और हमारे पास में रामलीला होती है तो वहाँ भी जाना है। एंड अभी पास में रामलीला हो रही तो मैं सोचूं कृष्णा को वहाँ पे लेके जाऊँ, क्योंकि बच्चों को हमें सिखाना जरूरी होता है, मैं सारी चीज़ें इसको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो अभी हम बच्चों को देंगे ना वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, तो मैं इसे कुछ भी ऐसा नहीं चाहती कि जो ये नहीं सीखे, हर चीज़ जाने। ये जरूरी होता है बच्चों को हमें हमारा कल्चर सीखने देना, उन्हें सिखाना, जो हम सेलिब्रेट करेंगे बच्चा ऑटोमेटिकली वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। बस कुछ इस तरीके से आज का मेरा डे गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है।